दोस्तों अक्सर आपने ऐसा सुना होगा कि कोरल लीफ हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है, चाहे वो टीवी से सुना हो या न्यूज़पेपर से। कोरल लीफ क्या है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे वो हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है, आज की वीडियो में मैं आपको पूरा ये डिटेल में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग, आप देख रहे हैं सीजे टॉक। कोरल रीफ्स जानने से पहले हम लोग जानते हैं कोरल आखिर क्या होता है। कोरल एक प्रकार का एनिमल होता है जो कि सी बेड में पाए जाते हैं। ये एकदम कछुए की तरह होता है, कछुए का मतलब ये भी, इनके ऊपर भी एक थिक सतह होती है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। उन स्केलेटन को हम लोग बोलते हैं पॉलीएप्स। और ये दिखने में कैसी होती है, दिखने में ये बिल्कुल कलरफुल होती है। कलरफुल होने का कारण क्या होता है कि इनके ऊपर जो एल्गी होते हैं वो इनको कलरफुल इफेक्ट दिखाते हैं। ये होते हैं कोरल। कोरल की साइजेस क्या होती है, साइजेस बहुत छोटी भी हो सकती है और 30 सेंटीमीटर भी हो सकती है। ये बिल्कुल भी मूव नहीं करते हैं, बिल्कुल एक जगह स्थिर ही रहते हैं, बिल्कुल इधर उधर मूव नहीं करते हैं, स्थिर रहते हैं और पूरा जीवन अपना ऐसे ही व्यतीत कर देते हैं, ठीक है। और अगर वहीं पे अगर वो मरते हैं, कोरल एक में मरा तो वहीं पे एक दूसरा भी जन्म हो जाता है, जन्म होता जाता है, एक के ऊपर अगर जन्म होते जाते हैं तो एक तरीके की पाइल बन जाती है। पाइल का मतलब एक ढेर बन जाता है, तो उसी ढेर को हम लोग बोलते हैं कोरल रीफ, ठीक है। तो ये होता है पूरा कोरल रीफ क्या होता है, कैसे दिखता है और कहाँ पाए जाते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि कोरल लीफ हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। कोरल लीफ करीबन 400 मिलियन साल पहले मिला गया था, ऐसा एस्टिमेट किया गया है। तो हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि उस कोरल रीफ के अंदर कितने सारे इंसेक्ट्स, स्मॉल फिशेस, बिग फिशेस उसके अंदर रह रही होगी। उनके लिए ये एक प्रकार का पूरा घर हो गया, ठीक है। दूसरा जो कारण है वो है ये एक प्रकार का CO2 एब्जॉर्बिंग डिवाइस है, यानी ये CO2 को एब्जॉर्ब करता है और सिक्रीट करता है कैल्शियम कार्बोनेट। जैसा कि मैंने आपको बताया था, उसका जो शेल होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ, ठीक है। तो जो भी ओशन का CO2 होता है उसको वो एब्जॉर्ब करता है और सिक्रीट करता है कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में, ठीक है। तीसरा जो बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट कारण है वो है कि वो जो भी हरिकेन्स होते हैं, टोर्नेडोज होते हैं, जो भी ओशंस के थ्रू जा रहे होते हैं, जो भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है उसको भी डेविएट करने में काफ़ी मदद करता है, ठीक है। ये करीबन तीन जो कारण है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इमेजिन कर सकते हैं अगर कोरल लीफ अगर नहीं होगा ओशंस में तो जितने भी CO2 का जो लेवल होगा ओशन में वो बढ़ जाएगा और सारी फिशेस को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो आप इमेजिन कर सकते हैं ऐसे ही कि अगर प्लांट्स हमारे जीवन में नहीं हो, धरती पे अगर प्लांट्स ना हो तो हमारा जीवन कैसे होगा। ये हमारे पास तीन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसके कारण कोरल लीफ हमारे जीवन में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, हमारे ओशन की लाइफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन नाउ डेज क्या हो रहा है, कोरल लीफ धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। इसका मेन कारण क्या है कि कोरल लीफ टेम्परेचर सेंसिटिव है, ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर राइज हो रहा है जिसके कारण जो कोरल लीफ है वो डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं अगर लैंड में अगर प्लांट्स ना हो, और प्लांट्स क्या करते हैं CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, अगर वो ना हो तो हम लोग कैसे जी पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा कि कोरल लीफ क्या है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आपको समझ में आ गया तो मुझे कमेंट करके बताइए कि इंडिया में कहाँ का कोरल लीफ पाए जाते हैं और अभी हमारे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कोरल लीफ कहाँ पाए जाते हैं। ऐसे ही मैं इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स पे वीडियोस लाता रहूँगा। और अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही टॉपिक्स स्पोर्ट्स से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और एजुकेशनल वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।